आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिनकी शादी एक साल भी नहीं टिकी। अली मर्चेंट और सारा खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अली मर्चेंट और सारा खान का, जिनकी शादी महज 2 महीने ही चल पाई। बता दें कि अली मर्चेंट और सारा खान ने रियलिटी शो बिग बॉस 4 में नेशनल टेलीविजन पर शादी की थी, लेकिन शादी के 2 महीनों के अंदर ही उनके बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर 2011 में इस जोड़े ने तलाक के लिए अर्जी दी, जिसके बाद ये अफवाह फैलने लगी कि नेशनल टेलीविजन पर शादी करना महज एक पब्लिसिटी स्टंट था। हालांकि सारा ने इस बात से इनकार किया था, जबकि सारा के पति अली ने यह माना था कि उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए टीवी पर शादी की थी। पुलकित सम्राट और श्वेता रोहिरा। पुलकित सम्राट ने नवंबर 2014 में गर्लफ्रेंड श्वेता रोहिरा से शादी की, लेकिन एक साल के बीच ही इस शादीशुदा जोड़े के बीच समस्या पैदा हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान पुलकित और यामी गौतम के बीच नजदीकियां बहुत अधिक बढ़ गई थीं। श्वेता और पुलकित अक्टूबर 2015 में अलग हो गए। चाहत खन्ना और भारत नरसिंघानी। चाहत खन्ना को कभी भी अपनी विवाहित जीवन में खुशियां नहीं मिली। चाहत ने 2006 में बिजनेसमैन भरत नरसिंघानी से शादी की थी। यहां तक कि शादी के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर भी छोड़ दी थी, लेकिन अपनी शादी के 8 महीने बाद चाहत ने अपने पति के खिलाफ शारीरिक और घरेलू शोषण के लिए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनकी 8 महीने की शादी टूट गई। हालांकि इसके बाद 2013 में चाहत ने फरहान मिर्जा से शादी की, लेकिन ये शादी भी नहीं टिक पाई। चाहत ने दूसरे पति पर शोषण का आरोप भी लगाया। अब चाहत बतौर सिंगल मदर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। करण सिंह ग्रोवर और श्रद्धा निगम। करण जब एक टेलीविजन अभिनेता थे, तब उन्होंने अपनी प्रेमिका श्रद्धा निगम से शादी कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 10 महीने में ही खत्म हो गई उनकी शादी। माना जाता है कि ये सब करण के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण हुआ। करण सिंह गिल और मल्लिका शेरावत। मल्लिका की जिनसे शादी हुई थी, वे करण सिंह गिल नाम का एक पायलट है, लेकिन सिर्फ 10 महीने में ही उनका तलाक हो गया, क्योंकि मल्लिका बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी। मंदाना करीमी और गौरव गुप्ता। बिग बॉस 9 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुकी एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने भी बिजनेसमैन गौरव गुप्ता से 2017 में शादी की, लेकिन शादी के महज 6 महीने बाद ही उनके रिश्ते में समस्याएं शुरू हो गईं और ये जोड़ा भी अलग हो गया।